फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। दिस प्रोडक्ट इज वेरी 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 गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल। ये ड्राई स्किन वालों के लिए एक वरदान है उनके लिए, मतलब ड्राई स्किन वालों के लिए ना कोई भी प्रोडक्ट जल्दी से सूट करना और स्किन में अच्छा लगना जल्दी नहीं हो पाता है। बट दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये आपको ग्लास स्किन इफेक्ट देगा, प्लस ये आपका फेस एकदम से ब्राइट कर देगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। तो जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है क्लेयर्स इल्यूमिनेटिंग ब्लेमिशिंग बाम सनस्क्रीन 40 SPF। इसका MRP है 1710 और 1500 और 40 ml। वेरी वेरी प्राइजी फॉर मी, इट्स वेरी वेरी प्राइजी। बट लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं एक टिप बताऊंगी जिससे आप इस प्रोडक्ट को 4-5-6 मंथ्स तक यूज कर सकते हो। सो ये क्वाइट अफोर्डेबल बन जाएगा आपके लिए। तो किसी भी सनस्क्रीन को जानने से पहले आपको सबसे पहले उसका टाइप पता होना चाहिए। इस सनस्क्रीन का टाइप है फिजिकल टिंटेड सनस्क्रीन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस सनस्क्रीन की टेक्सचर की। तो इस सनस्क्रीन का जो टेक्सचर है वो वेरी थिक क्रीमी टेक्सचर है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक क्रीम अप्लाई कर रहे हो फेस पर। अगली हम बात कर लेते हैं कि ये सनस्क्रीन किस स्किन टाइप पे बहुत ज्यादा सुटेबल होगी। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सनस्क्रीन है ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा सुटेबल होगी, क्योंकि ये सनस्क्रीन एक बहुत ही अच्छा इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देती है और आपका फेस ब्राइट दिखेगा, ग्लास स्किन दिखेगा। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ये बहुत चिपचिप लगेगा, हाइड्रेटिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नॉर्मल स्किन वालों को भी ये चिपचिप लग सकता है। पर एक यहाँ पे चीज है, मैं आपको वो डिफाइन करती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने ये सनस्क्रीन लगाई थी, तो मैंने ये सनस्क्रीन लगाई थी, मैं एयर कंडीशनर में नहीं थी, बट मैंने सुबह से शाम तक लगाई थी इस सनस्क्रीन को। फैन था, गर्मी काफी थी, बट मैं इंडोर्स थी, आउटडोर नहीं थी। ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी मुझे चिपचिप नहीं की, ब्लीड नहीं हुई, ना ही लगाने पे रब्ड ऑफ हुई। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर था, ग्लासी स्किन था। बट अगर आप धूप में जाते हो, स्कूटी पे जा रहे हो, यानी अंडर द सन हो, आपको पसीना आ रहा है, देन दिस सनस्क्रीन मेक यू वेरी अनकम्फर्टेबल। आपको बहुत ज्यादा स्टिकी, चिपचिप लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आई थिंक कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा बेस्ट है। या अगर आपको पार्टी वगैरह में भी ड्राई स्किन वालों को लगा के जाना है, नाइट हो मॉर्निंग हो, वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी ब्यूटीफुल। ऑयली एंड नॉर्मल स्किन वाले अगर आप कॉम्पैक्ट्स के साथ भी इसको यूज करोगे, देन इट माइट बी स्टिल ऑयली फॉर यू, आपको ये सुटेबल नहीं होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद आई में इरिटेशन नहीं होती है, वाइट कास्ट नहीं देता, बट ये टिंटेड सनस्क्रीन है तो मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए अच्छा है, डार्कर स्किन टोन में बहुत अच्छा नहीं लगेगा ये। नाउ अब बात कर लेते हैं 10-6 की। तो मैंने इस सनस्क्रीन को लगाया था सुबह 10 बजे से अपने ऑफिस में आने के लिए। थ्रू आउट द डे मैं इस सनस्क्रीन को मैंने लगाया। मैंने इस सनस्क्रीन का रीएप्लीकेशन नहीं किया था क्योंकि मैं इंडोर्स थी और ऑलरेडी मैंने 2 coating सनस्क्रीन की लगाई थी। मैंने रीएप्लीकेशन नहीं किया था सनस्क्रीन का थ्रू आउट द डे, सिर्फ एक एप्लीकेशन की। ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट आप देख सकते हो, बिल्कुल भी ये डल नहीं हुआ मेरा फेस। सुबह से लेकर शाम तक मेरा फेस इक्वली ब्राइट था, बिल्कुल भी डल नहीं हुआ, बिल्कुल भी ये कहीं से निकला नहीं। बहुत ही अच्छी, मतलब मैं तो फैन हो गई इस प्रोडक्ट की। मैंने इस प्रोडक्ट को लिया, मुझे सैंपल में मिला था ये स्नेल म्यूसिन के साथ, तो एक पैकेट आई थी, वो आराम से मेरी 5-6 टाइम चल गई। अब अगर ये ऑफर में आता है तो मैं लूंगी, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। तो आप भी जब ऑफर आए तो ले सकते हो। लास्ट में मैं एक टिप बताऊंगी, उसको आप यूज करके इसको 5-6 मंथ भी चला सकते हो। फिनिश की बात कर लें तो ये ड्यूई फिनिश देता है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है आपकी स्किन, आपको लगेगा ग्लास स्किन वाला इफेक्ट। लिटरली ये सनस्क्रीन या बीबी क्रीम आप इसको कह रहे हो विद SPF, ये बिल्कुल देता है। मैं तो बिल्कुल इसको यूज करने के बाद ना मुझे कोई भी फाउंडेशन लेने का मन नहीं है, कुछ भी लेने का मन नहीं है। मुझे लेना होगा कोई भी मेकअप प्रोडक्ट तो मैं ये लूंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लूंगी। लास्टली मैं जो टिप देने वाली हूँ मैं वो बताती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको ये सनस्क्रीन यूज करना हो आप अपनी नॉर्मल सनस्क्रीन यूज करो पहले, जो भी बजट में आपके है। देन इस सनस्क्रीन का थोड़ा सा अमाउंट, पी साइज अमाउंट लेके आप फुल फेस में लगा लो। ये सनस्क्रीन काफी ब्राइट इफेक्ट देगी आपको, बिल्कुल भी आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो, लाइक 4-5 months तक इस तरीके से ये सनस्क्रीन चल जाएगी। बट अगर आप इसको सिंगल यूज कर रहे हो देन ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये काफी कॉस्टली है और 40 ml है। तो ये मेरी टिप थी अगर आप यूज करना चाहो, अदरवाइज अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी, ये सनस्क्रीन जो है मेलाज्मा पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है।
पहली बात तो टिंटेड सनस्क्रीन मेलाज्मा पेशेंट के लिए इसलिए भी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि एक ये कवरेज दे देती है, तो उनको थोड़ा लाइटनिंग स्किन में लगती है और वो मेलाज्मा थोड़ा कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट चीज ये रहती है क्योंकि टिंटेड सनस्क्रीन है उनमें जिंक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड होता है, तो वो धूप की रेज को बहुत अच्छे से पेनिट्रेट नहीं करने देता है, बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये मेलाज्मा वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी है, इससे उनका मेलाज्मा भी लाइट होता जाता है। तो ये रहा मेरा रिव्यू। अगर इस सनस्क्रीन से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर प्लीज करना, और जो कोई भी क्वेश्चन या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।